और अब हम बात करते हैं ईसाई मिशनरियों के सम्मान के होने वाले दुर्गत के। तो ईसाई मिशनरियों का 15 अगस्त के मुख्य समारोह में सम्मान हुआ और इस सम्मान का विरोध अब होने लगा, यानी जिला प्रशासन के गले की हड्डी बन गया है यह सम्मान। लगातार विरोध हो रहा है। इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष अमित गोलू बजाज ने विरोध किया था। अब हिंदूवादी संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध किया है, ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, नारेबाजी हुई है। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कार्यक्रम में आयोजित सम्मान समारोह में एक कथित सामाजिक संस्था आधारशिला पूर्वक नाम CICM के प्रमुख दो लोग अजय लाल एवं देवर्त लाल का सम्मान किया गया, जिसका सब हिंदू समाज विरोध करते हैं। सम्मान हेतु चयन समिति या नियत अधिकारी द्वारा किन मापदंडों पर चयन किया गया, यह भी विरोध का विषय है। क्योंकि नंबर एक, उपरोक्त संस्था एवं लोगों पर कई गंभीर किस्म के धर्मांतरण के आरोप लगते रहे। दूसरा, सेवा के क्षेत्र में अन्य लोग एवं संस्थाएं भी हैं, फिर भी एक ही परिवार के दो लोगों का सम्मान हेतु चयन किन मापदंडों पर किया गया। तीसरा, कोरोना काल में सेवा करते हुए ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सेवा के दौरान अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, फिर भी आपकी सम्मान सूची में स्थान ना पाना हमारे घोर विरोध का प्रमुख कारण। चौथा, भूमि कब्जाने के भी आरोप उपरोक्त लोगों पर लगते रहे, ऐसे लोग सम्मान के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के प्रकाश में सर्व हिंदू समाज चयन सम्मान चयन समिति नियत अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आपसे अपेक्षा करता है। कार्रवाई ना होने पर संगठन उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की। स्वतंत्रता दिवस पर दो व्यक्तियों को किस आधार पर किया गया है उसके बारे में जांच करके उनके लिए एक ज्ञापन जो है वो दिया गया है। और दूसरा जो है, कुछ वही संगठन द्वारा पूर्व में जो किए गए हैं अपने जांच जो है उससे संतुष्टि ना होने की वजह से इसको पुनः जांच करने का भी रिक्वेस्ट किया है। तो हम लोग जो है जितने भी ज्ञापन के बिंदु है उसको चेक कर लेंगे और जिसके हिसाब से जो भी जांच जो है इस स्तर पे होना है तो इस स्तर पे हम लोगों को करना, या अगर शासन स्तर पे हम लोगों को भेजना। सर, हिंदू संगठन ने गंभीर आरोप लगाए धर्मांतरण को लेकर, इसके मामले में नहीं, अगर कहीं पे कन्वर्शन का है, कहीं पे स्पेसिफिक हम लोगों के पास आती है और नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो अपने मध्य प्रदेश में यह नियम लागू भी है रिलीजियस कन्वर्शन का, कहीं पे भी होती है तो नियमानुसार कार्रवाई जो है उनके जो भी व्यक्ति करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं दमोह शहर के समस्त संगठन एवं सामाजिक संगठन, इसमें करीबन 10 से 15 संगठनों ने हम लोग के साथ एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मुख्य मांग यह है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर ईसाई मिशनरी के दो लोग अजय लाल विवत लाल, इन दोनों को सम्मानित किया गया। इनके सम्मान के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन लोगों के ऊपर पूर्व में धर्मांतरण के आरोप लगते रहे, इनकी संस्था पर पूर्व में कई शिकायतें हैं, इनके ऊपर जमीन हड़पने के आरोप लगते रहे अजय लाल एवं प्रवत लाल के ऊपर, इन सभी चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस व्यक्ति पे केंद्र की सरकार के द्वारा जिस संस्था पर NGO के ऊपर जांच बैठी हो उस व्यक्ति को सम्मानित करना कहाँ तक उचित है। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं सकल हिंदू समाज इसकी घोर निंदा करता है एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई करें जिन्होंने ऐसे धर्म विरोधियों को सम्मानित किया है। जय श्री राम। श्री, आज हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपा, किस चीज को लेकर ज्ञापन सौंपा है, किसके विरुद्ध सौंपा है, क्या कार्रवाई की मांग? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दमोह जिले में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले लोगों को समाज सेवा के नाम पर जिस प्रकार से सम्मानित किया गया यह निश्चित ही दुर्भाग्यजनक है और हम संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से इसकी निंदा करते हैं। इस विषय को लेकर के आज हम सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। We'll be right back.